सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मजर एंड रायला व्लॉग। और आप सभी को हमारी तरफ से 2700 रोजा मुबारक हो। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, इफ्तारी का टाइम होने आ रहा है तो मैं नीचे जा रहा हूँ, ग्राउंड मार के आता हूँ। तो मिलते हैं इफ्तारी के टाइम। और वो रायला कुछ बना रही है तो देखते क्या बना रही है आज, क्या क्या जलाती है और क्या क्या पकाती है सब दिखाते। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, आज हम लोग बना रहे हैं आलू प्याज और मिर्ची के भजिए, तो रोज रहते हैं। और आज हम लोग ने बनाए हैं मोमोज और पॉकेट। ये मदर की फेवरेट है पॉकेट, बट उसके अंदर नूडल्स नहीं है, चिकन का दूसरा मसाला है। और हम लोग बनाए रहे, आज अम्मी ने बनाए हैं उनकी स्पेशल डिश रगड़ा और पूरी। तो वो कैसे बनाते हैं ना, वो रोजे के टाइम पे ऑन द स्पॉट बनाकर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि अभी से बनाएंगे तो नरम हो जाएगी। तो रगड़ा तैयार है, इसमें पूरी, दही और ये इमली की चटनी। तो वो जब खाएंगे तब उसको डायरेक्ट जब बनाएंगे तब आप लोग को बताएंगे वो कैसे बनाते हैं। और मम्मी से मैं उसकी रेसिपी भी आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग जरूर ट्राई करना। फिर आपसे आगे रोटी के टाइम पे मिलते हैं। तो गाइस, आज मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश बनाए है जो मैं खाता था बचपन से खाते हुए आ रहा हूँ, वो है ये। तो ये है रगड़ा और ये जो आपको बताई थी चटनी वटनी। और ये हाँ। तो बनाते कैसे पता है, इस पे डालते हैं ऐसे रगड़ा। रगड़ा डाले इस पे और फिर दही, फिर इमली की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी। खट्टी मीठी। और ये डाल रहे हो लाल मिर्ची। हाँ। और ये है क्या बोलते हैं इसको, अक्खा धनिया। अक्खा धनिया नहीं मालूम मुझे, अक्खा धनिया। तो क्या हो गया मजर, मालूम पड़ जाए, मालूम पड़ जाए। तो ये देखो बनने के बाद ये कुछ ऐसी लगती है। और ये बहुत, और फिर इसको खा लेने का, अभी मेरा रोजा है, अजान होगी तो फिर मैं खाऊंगी। और फिर इसका टेस्ट बताऊंगी। मैं पहली बार खा रही हूँ अम्मी के हाथ का, ये मजर ने खा चुके, तो मैं आज इसका रिव्यू मैं दूंगी। रगड़ा तो नॉर्मल जैसे अपन रगड़ा बनाते वो ही है, आपको जैसे स्टाइल का रगड़ा बनाने का वो बनाओ, बट उसको ऐसे क्या बोलते हैं मसाला, तो नहीं ऐसे सजा कर दो। तो कैसी बनती है पूड़ी? और पूड़ी तो नॉर्मल अपने मैदा के आटे की पूड़ी है। हाँ। उसको जो शेप में आपको बनाने का उस शेप में बना लो, और रगड़ा जैसा आपको चाहिए वैसा रगड़ा बना लो। और उस पे खाली लाल मिर्ची की बुक्की और अखा धनिया पिसावा और इमली की चटनी और दही डालो। ओके ओके। और ऐसे सर्व कर दो। और क्या बनाए? मोमोज। और ये जो पॉकेट बनाए है, ये पॉकेट के अंदर गाइस जो हम लोग रोल बनाए थे वो वाला ही मसाला है। और तो उसका हम लोग ने आज पॉकेट तो बनाया। रोल वाला मसाला कौन सा मसाला? वो जो अम्मी के हाथ का रोल वाला चिकन और वो जो ऑरेंज रेड ग्रीन वाला जो था वो ही मसाला है। तो उसका हम लोग ने आज पॉकेट बना दिए। ठीक है, तो गाइस इसने आपको पका ली, अब इसकी बात पे ध्यान दो और बनाओ। लेकिन रमजान तो खत्म होने आ गया, फिर भी तीन दिन है और दुआ में याद रखो। मिलते हैं इफ्तारी के बाद। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी हो चुकी है और अभी हम लोग उतरे हैं घर से नीचे। तो हम लोग को मिल गए थे सुफियान भाई और निदा, तो वो लोग ज़बरदस्ती हम लोग को घर पे लेकर चले गए थे। तो वो लोग ने मॉडिस्टी बाय निदा खान की तरफ से मुझे आया है गिफ्ट ईदी। तो देखते हैं घर जाएंगे और फिर आप लोग को बताते कि उन लोग ने हम लोग को क्या, मुझे क्या ईदी दी है ना मजर। चलो गाइस फिर मिलते हैं आपसे बाद में। गाइस अभी हम लोग आए हैं सैरी करने के लिए, तो हम लोग सैरी करने के लिए आ चुके हैं माहिम। तो देखते हैं हम लोग अभी यहाँ कहाँ सैरी करेंगे, या नहीं तो बांद्रा चले जाएंगे, है ना उधर मिल जाएगी जब रही दरगाह। सलामी दे दो गाइस सब। तो अभी यहाँ से सलामी दे के निकलते हैं और फिर देखते हैं हम लोग क्या सैरी कर रहे हैं, फिर बताएंगे नहीं, बट है और भी लोग साथ में हम लोग के सब आज। तो सैरी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सैरी हो गई है और आप सभी को हमारी तरफ से 28वीं सैरी मुबारक हो। और गाइस आज हम लोग को कुछ करने का मिला ही नहीं क्योंकि इतनी भीड़ थी ना आज। और आज हम लोग थोड़ा बिजी भी थे और आज अजब हो गया अल्लाह का शुक्र। और आज हम लोग बिजी भी थे क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें लेने थी, ये वो। तो और हम लोग वहाँ थे तो सुफियान भी हमको मिल गया था, तो सुफियान ने मेरे को रायला को बोला कि चलो निदा के वहाँ, क्योंकि उसको कुछ क्या बोलते सरप्राइज देने का था। तो है ना अपना सरप्राइज मतलब ईदी देना था, तो रायला को वहाँ लेके गया, तो उसने ईदी दिए है लोग ने।
बता रहे ला। बहुत स्वीट बाय नीला खान की तरफ से आई है मुझे ईदी। हाँ। नीला और सुशांत भाई की तरफ से। हाँ। तो वो मैंने खोल चुकी हूँ क्योंकि वो लोगों को मेरा रिएक्शन देखना था कि मुझे कैसा लगा है। हाँ, बाकी की अपडेट जो है वो सुफियान के ब्लॉग में है, आप देख लेना जाके। आप लोग वही देख के इधर आओगे, हमको तो पता ही है कि वही देख के आओगे। और मेरे को भी भेज देना, मेरा भी जो तेरा पास नंबर, मेरा जो नंबर है पर्सनल नंबर, उसमें गूगल पे फोन पे जो भी है ईदी लिख के भेज देना, जितना भी भेजता है। ओके, लायला की तो तूने दे दिया, अब मेरी भी भेज दे। अब बोल आगे। कैसे ईदी मांग रहे हो? तो कैसा ईदी मांगू? मैंने वो खोल चुकी थी। तो फिर कैसा ईदी मांगू? ऐसी ईदी मांगू ना? अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात क्यों नहीं? ईदी मांग रहा थोड़ी ना कुछ छोटा है तो दे देगा, छोटे लोग को देना चाहिए, ट्रेंड चेंज होना चाहिए, बड़े लोग को नहीं देना चाहिए। तो यानी ये बार मैं सब छोटे लोग से ईदी ले लूं? हाँ, है ना। मतलब तुम भी मेरे से छोटे तो तुम भी मेरे को ईदी दो। तुम मेरे से बड़े दो, बाकी मैं सबसे छोटे से ले लूं। हां वाह, अपना ही फायदा देख रहे हो। चलो चल, फायदा देखना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो गाइस ये पहले ना ये पेपर के अंदर रैप था वो। हां वो बोल दिया ना, मेरा अपडेट सुफियान के व्लॉग से आएंगे। मैंने मेरा रिएक्शन देखा था। फिर उसके ऊपर है ना ये इतनी प्यारा सा। अब ये तुम सर पे लगाओ। और ये है गाइस जिलबाब। जिलबाब माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगे। ये भी पूरा खोल के मैं दिखाऊं इंशाल्लाह। पूरा बराबर क्या बोलते इसको, ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल हाँ, बहुत मस्त है माशाल्लाह। ये ऊपर का है। मेरे को भी एक कार्गो की जीन्स और एक शर्ट भेज दे सुफी, अगर तू ब्लॉग देख रहा है तो सोच ले। और ये देखो। हाँ ये क्या है? घाघरा। ये क्या है? जिलबाब के अंदर ये। अच्छा जिलबाब के अंदर, मेरे को लगा घाघरा है। और एक छोटू सा वो भी दिया है। हाँ जायदाद के पेपर भी दिया है। नहीं पेपर नहीं है ना। अच्छा ईद मुबारक का। ईद मुबारक का ये। हाँ मॉडेस्टी बाय नीदा खान, ये लोगों ने दिया। तो मेरे को भी भेज देना जो मैं बोला हूँ, अगर नहीं आया तो देख। थैंक यू सो मच सुफियान भाई एंड नीदा फॉर दिस ईदी। मैं इंशाल्लाह पहनूंगी और फिर बताऊंगी आप लोग को भी कि कैसा लगा। ऐसा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, मेरे पे पहनने के बाद कैसा लगेगा। ठीक है, सुफियान के ब्लॉग में इतने पहनी है। और अभी जब एकदम अच्छे से पहनेंगे, फिटिंग मस्त अच्छे से बानेंगी वानेंगी तो ये और अच्छा लगेगा। तो गाइस ये ब्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखना।